वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम इन अदर वीडियो फेमस बायोलॉजी। अगर आपने भी ICAR-ARS नेट 2023 का एग्ज़ाम दिया है, या SMS का एग्ज़ाम दिया है, या STU का एग्ज़ाम दिया है, और आप भी ICAR-ARS का नेट का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों ICAR-ARS 2023 के नेट के रिजल्ट में इतना डिले हो रहा है, क्या इसके पीछे का लॉजिक है, क्या इसके पीछे कारण है, राइट। सो बेसिकली जब से एग्ज़ाम्स हुए हैं 27 से लेकर के 29 अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था, तब से लेकर के जितने भी एस्पिरेंट्स इस एग्ज़ाम में अपियर हुए हैं, उनके मन में ये कयास लगे हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। मई में एक एक्सपेक्टेड डेट था कि अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, बट अभी ICAR की तरफ से ऐसा कुछ रिलीज नहीं किया गया है। और ICAR की वेबसाइट पे कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो कि इस बात का इंडिकेशन है कि अभी उनके पास मेंबर्स की कमी है, वो मेंबर्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने टेंडर निकाले हुए हैं। तो देखते हैं हम लोग कि क्या ICAR की तरफ से नोटिस है, इस रिजल्ट को डिले करने होने के पीछे का लॉजिक क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ICAR का ही नोटिफिकेशन है और इन्होंने ये रिलीज किया हुआ है, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि रिक्वेस्ट ऑफ बीट्स फॉर प्री एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड टेस्ट CBT एंड पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग वर्क ऑफ ASRB। इनके पास प्री और पोस्ट एग्ज़ाम में जो वर्क होते हैं उनको काम करने के लिए कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, दैट इज़ वाई इन्होंने टेंडर निकाला हुआ है। इस टेंडर के थ्रू मेंबर्स के रिक्रूटमेंट करेंगे और तब जाकर के इनका काम पूरा आगे कंप्लीट हो पाएगा। इस नोटिफिकेशंस में हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है कि बेसिकली ये आपका एग्ज़ाम्स ICAR CBT मोड पे 2013 से करा रहा है, और तब से लेकर के कितने बार एग्ज़ाम ये करा चुके हैं, हर बार के नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 2023 में जो आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, 66,428 कैंडिडेट्स पूरा पार्टी रजिस्टर्ड हुए थे इसमें, इस एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें नेट का एग्ज़ाम था, SMS का एग्ज़ाम था और STU का एग्ज़ाम था। और 27 से 30 अप्रैल तक एग्ज़ाम हुआ था, तभी से लेकर के स्टूडेंट हमेशा रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके लिए बार बार ICAR-ARS के वेबसाइट पर सर्च करते हैं, बट वहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ दिखाई नहीं देता है। सो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, सभी यही कहना आप लोगों के लिए ठीक होगा कि इंतज़ार करना ही बस आपके हाथ में है, आप इंतज़ार करते रहिए। आई डोंट नो कि ICAR कब रिजल्ट रिलीज़ करेगा, ये जो टेंडर इन्होंने निकाला है, क्या इसके रिक्रूटमेंट करने के बाद जब कैंडिडेट फुलफिल हो जाएंगे तब इन्होंने प्रोसेस करेंगे या पहले करेंगे, अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, कुछ भी कहा नहीं आ सकता है। हाँ, बस इतना है कि आप डेली बेसिस पे या दो दिन तीन दिन के गैप के बेसिस पे ICAR की वेबसाइट से आप उस पर विजिट करते रहिए, और अगर ऐसा कुछ अपडेट होता है तो आपको इस MS बायोलॉजी के चैनल की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई नो कि आपको ये वेट करना अब ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, पेशेंस आप खो रहे हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है, रिज़ल्ट आप अच्छा, वहाँ पेपर आप अच्छा करके आए हैं, रिज़ल्ट आ जाता तो फिर आप आगे के लिए भी अच्छे से अप्रोच करते, बट कहते हैं कि वो चीज़ अपने हाथ में नहीं है। इनके पास जो हेल्पलाइन नंबर दिया है इन्होंने, वहाँ पे आप कॉल करिए तो इनका कोई रिस्पांस नहीं आता है, कोई भी फ़ोन उठाता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता है, कभी बात भी हो जाए तो फिर इनको किसी का क्लियरिफिकेशन रहता नहीं। आई डोंट नो कि ASRB बोर्ड जो है किस तरीके से काम कर रहा है और क्या इनका फंडा है, पता नहीं है, बट ये बहुत ही गलत है कि एग्ज़ाम्स करा करके दो दो ढाई ढाई महीने हो जाते हैं और रिजल्ट तक पब्लिश नहीं किया जाता है। सो गाइस, थोड़ा सा पेशेंस आप बना के रखिए, और जैसा आपने अभी 2 महीने वेट किया, थोड़ा और वेट कर लीजिए, क्या पता कि आपका नेक्स्ट मंथ में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। कुछ कहना अभी ठीक नहीं है कि एग्जैक्टली कब आएगा, राइट, ये SRB ही बता सकती है कि वो रिजल्ट अपनी कब पब्लिश करने वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अपनी स्टडी पर कंटिन्यूसली फोकस बनाए रखिए।